हेलो स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स का एक और सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया है 2020 के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रीपोजिशन से है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सी इज ऑफरेड, और जानते हैं कि ऑफरेड ऑफ होता है, वो भयभीत है डॉग्स कुत्तों से, तो ऑफ ए आपका आंसर होगा, ए होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ही गेट्स अप, तो जैसा कि आप जानते हैं 6 o'clock यानी एट 6 o'clock होगा, तो ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो एट यानी बी, बी नंबर का आपका आंसर होगा। अब आप देखिए थ्री जो क्वेश्चन है, आई लुक्ड एट हिम, तो आई लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट होगा, और फोर में ही बर्स्ट इनटू, फर्स्ट जो है कि मॉडल सेट में भी था, तो ही बर्स्ट इनटू लाउड लाफ्टर होगा, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। और फाइव, ही इज रिकनसाइलिंग हिमसेल्फ, तो रिकनसाइल टू होता है, तो ही इज रिकनसाइलिंग यानी सामंजस्य स्थापित करना, तो ही इज रिकनसाइलिंग हिमसेल्फ टू लोअर सैलरी यानी बी, बी आंसर होगा टू, टू यहाँ पर आंसर होगा फाइव का। सिक्स देखिए, सिक्स क्वेश्चन है कि रिपजिम इज, तो जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, बी होगा रिपजिम इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेवन, ही इज टू एम ए है, तो आप जानते हैं कि साउंड देख करके हम आर्टिकल का प्रयोग या इनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एम ए आ रहा है, तो एन एम ए होगा, ही इज एन एम ए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ये एन यानी बी, बी आंसर होगा। अब हम लेते हैं बी, यानी ये बी आपका एन होगा, एन एम ए होगा, क्योंकि ए ए, तो ए आ रहा है साउंड यहाँ पर, तो साउंड देखते हैं, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। एट नंबर क्वेश्चन है, सी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 3 years, जैसे ही हमने देखा कि 4+ ये पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग में आया, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस खोज रहे हैं लेकिन है नहीं, तो इस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट भी ले सकते हैं, तो हैज स्टडी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता तो हम पहले उसे ले दें, लेकिन जब नहीं है तो हम हैज स्टडीड लेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे, तो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 years। अब 9 जो क्वेश्चन है, टुडे मैन, आज आदमी जो है कि वो जिंदा रहता है लॉन्गर, लंबा समय तक यानी लॉन्गर रहता है, देन ही डाइड बिफोर, जो वो पहले कभी पहले मरता था उससे लंबा जिंदा रहता है, तो आज का दिखाना है मैन के साथ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, लिप्स होगा, तो हम सी नंबर डालेंगे, 9 का आंसर होगा सी। 10 देखिए, जो क्वेश्चन है, माई नेवर हैड टेकन अ डिसलाइक टू मी सो ही ऑफन, मेरा पड़ोसी ने मुझको जो है डिसलाइक किया है यानी नापसंद किया है, सो ही ऑफन, तो कंप्लेंस यानी कंप्लेंस, वो अक्सर शिकायत करता है अबाउट माई डॉग, तो ये उसकी हैबिट है, आदत है, तो कंप्लेंस सिंपल प्रेजेंट होगा, कंप्लेंस का प्रयोग करेंगे, ए नंबर होगा कंप्लेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये 11 है, सेवरल इंटेलेक्चुअल्स, कुछ यानी अनेक जो बुद्धिजीवी हैं, तो सेवरल के बाद जो आप जानते हैं टाइम एंड सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है कि आप पढ़े होंगे कि सेवरल हो, फ्यू हो, अ फ्यू हो, मेनी हो, वेरियस हो, इनके बाद ये प्लूरल, अगर नाउन है तो वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ सुटेबल आर है, सेवरल इंटेलेक्चुअल्स आर अगेंस्ट दिस प्रपोजल, यानी इस प्रस्ताव के विरुद्ध में जो है अनेक या कई जो है बुद्धिजीवी हैं, तो यहाँ आर यानी सी सुटेबल आंसर होगा। अब 12 देखिए, ये 12 और 13 जो है वो पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी 2 marks का वॉइस से क्वेश्चन रहेगा, सिंपल जो है कि आप देख रहे हैं ये मॉडल सेट के अनुसार, तो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो आप जानते हैं कि वन वो लिखना कोई जरूरी नहीं रहता है पैसिव में, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे प्रोमिसेज, और प्रोमिसेज मस्ट होगा, और बी बी भर्टर बाई लीव, तो प्रोमिसेज होगा नहीं है, बी बी नहीं है, तो ये हम लेंगे क्योंकि हम बाई के बाद इसे लिखते नहीं है, तो प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही होगा, प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट। ऐसे भी देख रहे हैं कि इसमें सूड है, इसमें भी सूड है, ये होगा नहीं, और जैसा कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा वन है तो बाई के बाद हम उसे लिखते नहीं है प्राय, तो ऐसी स्थिति में बाई हिम तो लेंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या, तो हमारा आंसर यही होगा सी, प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट। यहाँ आप देख रहे हैं ही टू डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव बदलेंगे, दिस वर्क इज
टू बी डन बाय हिम, इंफिनिटिव है और टू वर्ब वन का टू बी वर्ब थर्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, दिस वर्क इज टू बी डन बाय हिम, तो ये ए नंबर ही है, दिस वर्क इज टू बी डन बाय हिम, अतः हम ए ले लेंगे, ए हमारा आंसर होगा, यानी दिस वर्क इज टू बी डन बाय हिम। अब 14 देखते हैं, 14 जो है फाइंड द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, तो आपको रॉन्ग जो वर्ड है स्पेलिंग जिसका रॉन्ग है उसको लेना है। तो ये रोशन या रोजन या मृत जो है कि अपरदन कटाव होता है, ये तो सही है, यानी ओवेशन जो है भी सही है, इवेशन भी सही है, ऐश्वर आपका ओकेजन, ओकेजन में आप जानते हैं ना ओ डबल सी होता है, ओ डबल सी एस आई ओ एन होता है, तो ये ओकेजन या ओकेशन, तो ये अवसर मौका होता है, ओकेजन या ओकेशन जो पढ़ते हैं हम इसको, ये बी हमारा आंसर होगा। द डेटा कंपाइल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी यूजफुल, तो इसके क्लोजेस्ट मीनिंग होगा आपका कंपाइल्ड यानी इकट्ठा किया संग्रह किया, तो इसके नजदीक मीनिंग होगा जो होगा वो कलेक्टेड होगा, संग्रह किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो गया, कलेक्टेड। 16 देख रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ये 16 देख रहे हैं, समवन क्लियर थ्रोट, किसी ने अपना गला साफ किया यानी कुछ बोला, तो ये तो हेडर स्टॉप की लाइन है, जब गाड़ी रुक रही है तो उस समय ये जो है कि कवि ने इस लाइन को लिखा है, समवन क्लियर थ्रोट, तो ये एडल स्ट्रोक का है। 17 जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स स्ट्रेंथ डिजायर टू एस्केप इनटू एन आइडियल आइलैंड, तो ये तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का है, तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का है। अब हम लेते हैं जो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से एक्सप्रेशन है, और 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18, विच अमंग द फॉलोइंग पोएम एक्सप्रेसेस पावरफुली द फीलिंग्स of joy and freedom which weary soldier felt at the termination of the first world war, तो first world war यानी यह line जो है everyone sank में यह अभिव्यक्ति है, जो first world war के termination पर जो सैनिकों का जो महसूस किया गया है खुशी और आज़ादी और खुशी की जो feelings है उसको powerfully जो है कवि यहाँ पर इस कविता में express करता है, अभिव्यक्त करता है, everyone sank में। अब ये 19 क्वेश्चन है, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे, द डेफोडिल्स का है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ है, द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स ये लाइन है, ए नंबर आंसर हमारा। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 जो क्वेश्चन है, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जैसा बताया गया है कि ये शांति आती है एकदम धीरे धीरे टपकती हुई जो है सुबह के घूंघट से शुरू होकर के शाम तब जब झिंगुर गाते हैं, तो ये तो डेफोडिल्स का नहीं है, इको का भी नहीं है, ये तो आप समझ गए हैं ना, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का है। देखते हैं द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, हाँ ये यानी डी, यानी डी आपका आंसर होगा, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और 21 ये जो है नोबेल का है, डेविड कॉपरफील्ड का, डेविड कॉपरफील्ड वाज फर्स्ट मैरिड टू डोरा स्पेनलो, डोरा स्पेनलो से पहली शादी हुई, और डोरा जब मर गई तो उसके बाद उसकी शादी फिर एग्नेस विकफील्ड से हुई है, तो डोरा स्पेनलो फर्स्ट मैरिड, उसकी पहली शादी हुई थी डोरा स्पेनलो से। अब ये 22 क्वेश्चन है, हु फोल्ड मिस्टर विकफील्ड सिग्नेचर, तो मिस्टर विकफील्ड के हस्ताक्षर का जो जारी करता था है ना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का, तो वो था, तो वो तो खलनायक था, और वो खलनायक था यूरिया हिप, यूरिया हिप इसका सही आंसर होगा, ए नंबर यूरिया हिप। अब 23 जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, 23 है, डेविड्स मदर गॉट विडो, डेविड की माँ विधवा हुई, हाँ डेविड के जन्म से पहले, बिफोर डेविड्स बर्थ, यानी ए ही आपका आंसर होगा, डेविड के जन्म से पहले ही उसके पिताजी मर चुके थे, यानी तो ये आंसर होगा बिफोर डेविड्स बर्थ। और 24 लेते हैं, विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाई, तो ये तो लिखा हुआ है आप स्टेफन लीकॉक का लिखा हुआ है, सी आंसर होगा, विद द फोटोग्राफर जो है स्टेफन लीकॉक की जो है कि स्टोरी है, कहानी है, एस लीकॉक, सी आंसर होगा। 25 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉरगेटिंग इज रिटन बाई, तो आर लिंड का द्वारा लिखा हुआ है, आर लिंड इसके राइटर है फॉरगेटिंग का, तो ये आप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे ग्रुप बी में पूछे जाएंगे, जैसा कि पिछले सेट में भी देखे हम लोगों ने देखा कि ये कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, और उनमें से 82 का हमें आंसर देना है, और ये प्रोस से रहेंगे, जैसे आर मशीन साल्वेज इजी टू कंट्रोल, व्हाई वाज द पर्पस ऑफ द फोटोग्राफ वेस्टेड,
what according to Robert Lind are common forms of forgetfulness, or he has why was later write it down carefully or meticulously se bhi puchta hai in the past what is the difference between a good essay and a good letter. तो ये इसमें से एनी टू का आंसर ही देना है जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा यानी 10 मार्क्स आप प्रोस से प्राप्त करेंगे. राइट अ शॉर्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. ये समरी वाइज क्वेश्चन है यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन. तो ये आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है किसी पोएम का. द लेक आई लव फिनिश फ्री या ईथ या एवरी वन सैंग का. डिस्क्राइब डेविड्स एक्सपीरियंस विद मिस्टर मॉडस्टोन एंड मिस मॉडस्टोन के साथ जो उसके डेविड के जो एक्सपीरियंस है अनुभव है उसका वर्णन करें. या जैसा कि कैरेक्टर स्केच करने के लिए है तो ये पर करिए 5 मार्क्स ले लीजिए. मिस क्लारा पिगोटी या यूरिया ही जो एक विलन है खलनायक है उपन्यास का नोबेल का चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड का. अभी एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा 5 मार्क्स का. 5 मार्क्स का राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 to 80 वर्ड्स ऑन एनीवन. कभी कभी 100 भी दे देता है 75 to 100. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर फैमिली इज द हब ऑफ आवर सोशल लाइफ. तो ये जो है 5 मार्क्स का आपका पैराग्राफ रहेगा. अब जो है हम लोग जब 100 मार्क्स का भी अगले जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें 100 मार्क्स के मॉडल सेट होंगे. थैंक यू.